हाय फ्रेंड्स, मुझे नगेन्द्र बाहेला स्वागत जनाऊँ बाहेला स्टडी जन तरफ। आज गोटे नुआ विषय आसी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स केमी दक्ष होगा, किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर लर्निंग मेथड्स लर्निंग मेथड्स मन पकड़ा कि प्रश्न आसी आम भल भाव कौन आलोचना करवा। तो बर्तमान आम आसत आमर प्रथम प्रश्न को प्रथम प्रश्नटी मुझे कही रखुची। ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड इज अल्सो कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड इज अल्सो कॉल्ड ए मॉडर्न मेथड, बी ओल्ड मेथड, सी नेचुरल मेथड, डी ओराल मेथड। तो मुझे कही रखी कि आमर ऑप्शन गुड़िक अच्छी मॉडर्न मेथड, बी ओल्ड मेथड एवं सी अच्छी नेचुरल मेथड, डी हूँ ओराल मेथड। तो सठिक उत्तरटी मुझे कहीदे सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ओल्ड मेथड मीन्स ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड इज अल्सो कॉल्ड ओल्ड मेथड, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, सेकेंड क्वेश्चन अच्छी द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज। क्वेश्चन भल भाव शुणु द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज ए। ऑप्शन ए डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी क्लासिकल मेथड, ऑप्शन सी ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड, ऑप्शन डी ओल्ड मेथड। तो वर्तमान आम गेस करिबा, आपण गेस करंतु प्रथम क्वेश्चन रो आंसर होची ऑप्शन ए डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मीन्स डायरेक्ट मेथड। द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो थर्ड क्वेश्चन को जीवा, द रोल प्ले इज कॉल्ड आज। थर्ड क्वेश्चन अच्छी द रोल प्ले इज अल्सो कॉल्ड आज ए सिमुलेशन, बी प्लेइंग सम गेम, सी स्पीकिंग बिफोर, डी चेंजिंग रूल्स। तो कही रखा चाहिए जे रोल प्ले इज अल्सो कॉल्ड आज रोल प्ले कौन नाम जानवा अलुआ ना कौन तार अच्छी। तो ऑप्शन कौन ऑप्शन आसीबा आपन मु कहि रखुची जे आपन गेस करंतु उत्तरटी आसी जे उत्तर हो सिमुलेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन रोल प्ले इज अल्सो कॉल्ड एज सिमुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम, द नेक्स्ट क्वेश्चन मु आपन कहि रखुची ए ग्रामर व्हिच स्टेट्स रूल ऑफ व्हाट इज कंसीडरड द बेस्ट और मोस्ट करेक्ट यूसेज इज। ग्रामर व्हिच स्टेट्स रूल of what is considered the best or most correct usage is। option a prescriptive grammar, option b descriptive grammar, option d inductive grammar, option d new grammar। ta option gudi mu puni khare kahi rakhuchi the option a prescriptive grammar, option b descriptive grammar, option c inductive grammar and option d is new grammar। ta perfect answer ti apan kar asuchi ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन सी होची कौन ना इंडक्टिव ग्रामर इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन ए ग्रामर व्हिच स्टेट्स रूल ऑफ व्हाट इज कंसीडरेड द बेस्ट मोस्ट करेक्ट यूसेज इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा इनडायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन इज इजी क्वेश्चन किंतु टे आपड़ मन पका पुणी आप दोहरवाक चाहूँगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन डायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन इज। ऑप्शन ए मच एम्फासाइजेस, ऑप्शन बी नॉट यूज्ड, ऑप्शन सी नॉट लाइक, ऑप्शन डी रेयरली यूज्ड। तो आप मैंने गेस करूँ बढ़िया क्वेश्चन अच्छी आप समय जानते आम बी एड क्वेश्चन गुटा सब आसाला। हाँ, इंग्लीश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट पर यह सब कम लगे। तो आपको रखुची ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नॉट यूज्ड इनडायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन इज नॉट यूज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा व्हाट डज ब्लिंगुअलिज्म मीन। व्हाट डज ब्लिंगुअलिज्म मीन, ब्लिंगुअलिज्म मीन्स ऑप्शन ए नोइंग वन लैंग्वेज, नोइंग टू लैंग्वेज, नोइंग मोर देन टू लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज नोइंग नो लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नोइंग टू लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर मीन्स नोइंग टू लैंग्वेज डज ब्लिंगुअलिज्म मीन ब्लिंगुअलिज्म
मतलब बिंगलो माने होची व्हाट डज बिलिंगुआलिज्म मीन द करेक्ट आंसर इज नोइंग टू लैंग्वेज इज बिलिंगुआलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए सिलेबिक मेथड ऑप्शन बी स्टोरी मेथड ऑप्शन सी फोनिक मेथड ऑप्शन डी स्पेलिंग मेथड. तो आप गेस करूँ कौन आस उत्तर प्रश्न पुणि थे पढ़ू अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए सिलेबिक मेथड ऑप्शन बी स्टोरी मेथड ऑप्शन सी फोनिक मेथड एंड ऑप्शन डी इज स्पेलिंग मेथड. तो करेक्ट आंसर आपदे ऑप्शन डी हूँ स्पेलिंग मेथड इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेलिंग मेथड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए ग्रामर व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ ए लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन एंड रिटन इज कॉल्ड ए प्रश्न पुणि थे पढ़ू ए ग्रामर व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ ए लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन एंड रिटन इज कॉल्ड ए ऑप्शन ए प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑप्शन सी इंडक्टिव ग्रामर एंड ऑप्शन डी इज न्यू ग्रामर. तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडक्टिव ग्रामर इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा फोनेटिक मेथड इज मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन फोनेटिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन टू राइट टू रीड टू स्पीक टू लिसन. क्वेश्चन पुणि थे पढ़ी रखुची फोनेटिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन ऑप्शन ए टू राइट टू रीड ऑप्शन सी टू स्पीक एंड ऑप्शन डी इज टू लिसन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू रीड इज द परफेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑप्शन बी नेचुरल अप्रोच ऑप्शन सी क्लासिकल अप्रोच एंड ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल अप्रोच. तो ऑप्शन आपण गेस करंतु सठिक आंसर कौन हबो ना सठिक आंसर मु आपनकु कहि दउची ऑप्शन सी क्लासिकल अप्रोच इज द परफेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ड ऑन क्लासिकल अप्रोच. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा ह्वाट इज मीट बाय रीडिंग इन चंक्स ह्वाट इज मीट बाय रीडिंग इन चंक्स ए ऑप्शन ए कंप्लीटली ऑप्शन बी शॉर्ट पैसेज ऑप्शन सी स्कीमिंग ऑप्शन डी चेकिंग. द परफेक्ट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज शॉर्ट पैसेज मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा respective skills are option a reading and writing option b reading and speaking option c listening and reading option d speaking and writing. the perfect answer apan guess karantu option c is the perfect option c is the perfect answer for the above question mean respective skills are listening and reading. Next question ko jiba between you and I he is hindrance the sentence is incorrect in perspective grammar descriptive grammar ordinary grammar inborn grammar. Prashna di au thare paduchi between you and I he is hindrance the sentence is incorrect in prescriptive grammar ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑप्शन सी ऑर्डिनरी ग्रामर एंड ऑप्शन डी इज इनबॉर्न ग्रामर. तो सटीक उत्तर डी होउची ऑप्शन ए प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज द परफेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन गासिले रेस्पेक्टिव स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्पेक्टिव स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव स्किल्स ऑप्शन बी प्रोडक्टिव स्किल्स ऑप्शन सी पैसिव स्किल्स ऑप्शन डी नॉन ऑफ द प्रीवियस. तो सठिक उत्तरटी मुझे कही रखुची सठिक उत्तरटी आसो आपणकर ऑप्शन सी पैसिव स्किल्स इज द रेस्पेक्टिव स्किल्स ऑलवेज राइट मीन्स द रेस्पेक्टिव स्किल्स आर पैसिव स्किल्स. तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को जीवा अल्फाबेटिक मेथड वाज इनवेंटेड बाय जो आम अल्फाबेटिक मेथड यूज करुचे क्या द्वारा अनुसंधानित होता आविष्कार होता अल्फाबेटिक मेथड इज इनवेंटेड बाय ऑप्शन ए द ग्रीक एंड द रोमांस
B, the Greeks and the Germans. Option C, the Egyptians. Option D, the Americans. The question was empty as a who invented the alphabet, invented by the alphabetic method. The sorting answer is G. Option D is the correct answer, the Americans. The Americans was invented the alphabetic method. Correct answer. Ajipan Yetiki. पूर्ण गोटे एपिसोड रे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं आसीबी ता पूर्व कही रखु छी जदी आपन को हमर ए वीडियो भल लगे त लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं परवर्ती भल वीडियो करिवे पई भल एमसीक्यू आलोचना करिवे पई आपनकर विशेष मतामत दियंतु रहु छी धन्यवाद। जदि ए वीडियो टी आपन को भल लागी थाए तहले सब्सक्राइब हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु बाहेले स्टडी जोन @youtube एवं शेयर मध्य करंतु एवं लाइक करंतु।